नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। kiranjadhav.com पे मैं जिग्नेश मेहता, किरण जाधव एंड एसोसिएट का गुजरात ब्रांच हेड, आपका स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी 11:40 हुए हैं। 11:40, 29 सितंबर, टुडे इज़ अ फ्राइडे। फ्रेंड्स, हम लोग ये डेल्टा डैश की रिपोर्ट को देख रहे हैं, 11:40, 29 सितंबर। और आज हमारी रिपोर्ट में अभी अभी सेंटीमेंट इंडिकेटर जो अभी 1 मिनट पहले 60% पॉजिटिव हुआ था, 60% पॉजिटिव यानी उस टाइम पे निफ्टी का पॉजिटिव स्कोर फिलहाल 142 है, नेगेटिव स्कोर 113 है। फिलहाल निफ्टी पॉजिटिव परसेंटेज वाइज देखें तो 56% पॉजिटिव है, निफ्टी 44% नेगेटिव है। इसका मतलब है कि निफ्टी धीरे धीरे बुलिशनेस दिखा रहा है। 142 स्कोर का पॉजिटिव होना और 56% बुलिश होना अपने आप में ये कह रहा है कि निफ्टी बुलिश होने जा रहा है। अगर ये यहाँ पे 60% आता है, जो अभी 1 मिनट पहले हमें दिखा भी था और तब भी मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया, तो जब ये 60% होता है तो हम हमेशा ये मानते हैं कि पॉजिटिव डैशबोर्ड में जाके स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए। पॉजिटिव डैशबोर्ड में अगर देखें तो ये तरह का पूरा स्टॉक्स का लिस्ट आता है। ये लिस्ट में जिस स्टॉक्स का स्कोर सबसे हाई रहता है वो ऊपर आता है। टॉप 10 वाले जो स्टॉक होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में आते हैं। मीडियम टॉप 10 वाले, सेकंड टॉप 10 वाले जो काउंटर होते हैं वो मीडियम ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में रहते हैं। तो फर्स्ट टॉप 10 और सेकंड टॉप 10 डार्क ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में और मीडियम ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में, ये टॉप 20 स्टॉक है जहां पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। ये पॉजिटिव स्कोर क्या है? ये पॉजिटिव स्कोर हर एक टाइम फ्रेम में 100 टेक्निकल एनालिसिस के सिग्नल को देखते हुए दिया गया स्कोर है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 5 मिनट में दिया गया स्कोर है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसी तरह से 25 मिनट, 75 मिनट, 125 मिनट के टाइम फ्रेम में और डेली चार्ट के टाइम फ्रेम में भी ये स्कोर दिया गया है। हर एक स्कोर टोटल 100 में से दिया गया है, यानी ये टोटल स्कोर टोटल 600 में से दिया गया है। जो टॉप 10 काउंटर होते हैं वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। लाइव मार्केट में ये सॉफ्टवेयर डेल्टा डैश चलता रहता है। अभी जो हमें स्टॉक्स दिख रहे हैं उसकी अगर प्राइस, उसके अगर बात करें तो अभी तो फिलहाल टॉप 10 में, सेकंड टॉप 10 में ये काउंटर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरी रुचि आरबीएल बैंक में है जो 250 रुपया 25 पैसा चल रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पीएफसी जो 7 रुपया 80 पैसा चल रहा है, सॉरी 252 रुपया 70 पैसा चल रहा है। उसके बाद मेरे स्टॉक्स में जो मुझे नजर आता है वो है लाल पैथ लैब, उसके बाद आरईसी लिमिटेड, उसके बाद कोल इंडिया, ये सारे स्टॉक्स हमारे लिस्ट में आ रहे हैं। फिर से एक बार, कौन से स्टॉक देखो, यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक है, उनमें से मैं पसंद कर रहा हूँ आरबीएल बैंक को, मैं पसंद कर रहा हूँ पीएफसी को, मैं पसंद कर रहा हूँ लाल पैथ लैब को, मैं पसंद कर रहा हूं कोल इंडिया को, ये सारे स्टॉक्स को मैं पसंद कर रहा हूं। तो ये जो स्टॉक्स मैंने पसंद किए हैं ये क्यों किए हैं, उसका कोई एक रीजन है। डेटा डे सॉफ्टवेयर में खाली इतना ही डेटा नहीं दिया गया, बाजू में भी कुछ डेटा दिया गया है। हर एक डेटा को देख के हम ये पसंदगी मना बता रहे हैं, राइट? ये पसंद स्टॉक को डेल्टा डैश का सॉफ्टवेयर देख के कैसे करना चाहिए, ये एक छोटे से वीडियो में हम नहीं समझा सकते, लेकिन kiranjadhav.com की ओर से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको समझाएं। और उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जनरली हर शनिवार को होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो आप अगर वहां पे आइएगा तो ये स्टॉक्स हमने क्यों सिलेक्ट किए हैं इसका भी हमें पता चलेगा। फ्रेंड्स, ये सारे स्टॉक्स का स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ से ढूंढना है उसके लिए हमें सेंटिमेंट इंडिकेटर में जाना चाहिए। सेंटिमेंट इंडिकेटर में यहाँ, सॉरी, उसके लिए हमें पीवोट टेबल में जाना चाहिए। पीवोट
पिवोट टेबल में हमें यहाँ पे ढूंढना है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक यहाँ पे हमें दिख रहा है, आरबीएल बैंक का स्टॉप लॉस 246.50 का होना चाहिए। पहला टारगेट 252 का होगा, दूसरा टारगेट 255 का होगा। इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे भी हमने जो सारे स्टॉक डिसाइड किए हैं वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। आरबीएल बैंक के बाद हमारी दूसरी सिलेक्शन थी लाल पैथ लैब, तो लाल पैथ लैब का भी हम पिवोट में जाके स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। लाल पैथ लैब, हियर इट इज, 2457 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 2506 पहला टारगेट, 2537 दूसरा टारगेट होना चाहिए। अगर पहले टारगेट के ऊपर स्टॉक चलता है तो पहला टारगेट हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। ये सारी चीजें हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते भी हैं, सिखाते भी हैं। हर सैटरडे को फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का लिंक अगर आपको भी रजिस्टर करना है तो बायो में, नीचे लिंक बायो में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप लोग इसको भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो हमने जो सारे स्टॉक सिलेक्ट किए थे अभी आपके साथ, वो सारे स्टॉक का प्राइस आपको स्क्रीन के ऊपर जब हमने सिलेक्ट किया था वो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से ये वीडियो को जारी रखते हुए दिखाऊंगा कि वो सारे स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हम पिवोट पॉइंट से नज़र रखे हुए हैं, जो पिवोट पॉइंट है, ये पिवोट पॉइंट जो हम बोल रहे हैं जिसको, वो लेवल पूरे दिन के लिए बदलता नहीं, तो स्टॉप लॉस भी अब नहीं बदलेगा, टारगेट भी नहीं बदलेगा। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट्स पैन आउट। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं फिर से आ चुका हूँ। अभी 2:12 पे मेरे कंप्यूटर में हुआ है और डेल्टा डैश की लेटेस्ट रिपोर्ट 2:11:26 पे अपलोड हुई है। इस रिपोर्ट के चलते अगर हम पॉजिटिव डैशबोर्ड में देखें तो पिछली बार ढूंढे जाने वाले सारे स्टॉक्स में से क्या रुझान आया है ये हम अभी देख रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हमने पहला स्टॉक हमारा ढूंढा था आरबीएल बैंक, जिसमें हमारा 252 का टारगेट था, वो अचीव होता हुआ दिख रहा है, स्टॉप लॉस के तरफ स्टॉक गया ही नहीं। दूसरा हमारा स्टॉक था पीएफसी, अभी भी स्टॉप लॉस 247.30 रुपीस के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमारा टारगेट 256 है। पीएफसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे टारगेट नहीं हिट हुआ है, फिर भी बुलिश व्यू को कैरी करते हुए हम चल रहे हैं। लाल पैथ लैब की बात करें तो लाल पैथ लैब ने अपना पहला टारगेट 2506 का अचीव कर लिया है, उसके बाद भी अच्छा खासा ऊपर दौड़ रहा है। मेरे ख्याल से जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहे हैं उनके लिए ये मेथड सही जाएगा। लाल पैथ लैब लगातार रिटर्न देना जारी है, पहले टारगेट के ऊपर वो भाग रहा है, दूसरे टारगेट की तरफ वो भाग रहा है। आरएसी लिमिटेड में 288.70 का स्टॉप लॉस था, वो आई थिंक पहले 10 में ही हिट होता हुआ नजर आया। कोल इंडिया, जिसमें भी टारगेट 297 था, अभी 5 पहले उसमें भी टारगेट हिट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो 5 स्टॉक हमने जिस पे रुचि रखी थी, जिसमें टारगेट तय किया था, उसमें से आरबीएल बैंक में टारगेट हिट हुआ, लाल पैथ लैब में टारगेट हिट हुआ, कोल इंडिया में टारगेट हिट हुआ, पीएफसी में फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। 5 स्टॉक में से एक ही स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता हुआ हमें दिख रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जिस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं डेल्टा डैश, वो सॉफ्टवेयर में वाकई में एक पोटेंशियल है, और इस सॉफ्टवेयर के पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए आपको kiranjadhav.com पे आना चाहिए और हमारा जो फ्री सेमिनार जिसकी लगातार मैं बात कर रहा हूँ वो अटेंड करना चाहिए। वी बिलीव दैट एवरी ट्रेडर नीड्स इट, राइट? हमें ये लगता है कि ये सॉफ्टवेयर हर एक को ज़रूरी है। एटलीस्ट एक बार हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करके इसका जो फ्री सेमिनार, जो फ्री वेबिनार होता है वो अटेंड करना चाहिए। लिंक बायो में है दोस्तों। बाय फॉर नाउ।